आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है सारे कानूनों का उल्लंघन कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग ये, सतेंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है, कानून अगर भ्रष्टाचारी मेरा ठग है तो कानून वानून कोई मतलब नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है। और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो VVIP, कोई VVIP नहीं है, ये जनता VVIP है। लेकिन VVIP कल्चर क्या होता है, आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है, दूसरा उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है, टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से,
एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें चार व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं और चार व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य है, जो विटनेस है, उससे छेड़छाड़ ना करें तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां चार चार व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं।